हेलो फ्रेंड्स, पार्विक वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रिक मैसनरी में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस टूल की। ये ट्रॉवल है, ये मैसन का मेन टूल है। इससे वो मोर्टार को पैन से उठा के ब्रिक्स पे रखता है ब्रिक लेइंग में, या कंक्रीट को उठा के कंक्रीटिंग में यूज़ करता है। दोस्तों ये ब्रिक हैमर है, इससे वो ब्रिक्स को तोड़ के जो भी उसको शेप चाहिए होती है ब्रिक की, उसमें कन्वर्ट करके वो उसको यूज़ करता है। दोस्तों ये मैसन स्क्वायर है, या इसको ट्राई स्क्वायर भी हम बोलते हैं। ये एजेस चेक करता है कि कहीं ब्रिक्स जो हैं सीधी आ रही हैं, जो ब्रिक का हमारा लाइन है एक, वो सीधी आ रही है कि नहीं। ये दोस्तों लाइन एंड पिंस हैं ब्रिक लेइंग में, ये बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं मैसन के लिए। देखिए कुछ इस तरह से होती हैं, पिंस हैं, और वो जो एक थ्रेड सा रहता है जिसको बांध के वो देखता है कि जो ब्रिक का एक कोर्स है वो सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए लाइन्स एंड पिंस बोलते हैं इनको। दोस्तों ये आगे लेवल है, स्प्रिट लेवल भी कहते हैं इसको, या मैसन्स लेवल कहते हैं। इससे वो लेवल चेक करता है मैसनरी वर्क का, कंक्रीट वर्क का। देखिए कुछ इस तरह से वो रख के लेवल चेक करता है। दोस्तों ये प्लम बॉब है, इससे वो मैसनरी वर्क जो कोई दीवार वो खड़ी करता है तो उसको वो चेक करता है कि नीचे से ऊपर तक वो सीधी है, कहीं टेढ़ी तो नहीं आ रही, तो प्लम बॉब से वो उसका स्ट्रेटनेस चेक करता है। दोस्तों ये वायर ब्रश है, इससे वो मैसनरी वर्क का जो जॉइंट्स हैं उनको साफ़ करता है, जो एक्स्ट्रा मोर्टार रहता है उसको साफ़ करता है। ये जॉइंटर्स हैं जॉइंट को साफ़ करने के लिए मैसनरी वर्क में। दोस्तों ये फ्लोट्स हैं, ये वुडन फ्लोट है। कंक्रीटिंग और जो प्लास्टरिंग वर्क होता है उसमें ये यूज़ होते हैं। डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिफरेंट साइजेस में आते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से, ये अलग साइज़ है, ये भी वुडन फ्लोट है। जब प्लास्टर होता है तो इनका यूज़ किया जाता है प्लास्टरिंग वर्क में, मैसनरी वर्क के बाद प्लास्टरिंग वर्क होता है। देखिए ये भी फ्लोट है, कंक्रीटिंग के बाद जो होता है इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये हो है, इससे हम मटेरियल का जब हैंड मिक्सिंग करते हैं तो इस टूल का यूज़ करता है एक लेबर। ये पिकैक्स और स्पेड हैं, ये भी हैंड मिक्सिंग के टाइम इनका यूज़ करते हैं। इससे सैंड एग्रीगेट्स जो हैं उनको मिक्स किया जाता है, सीमेंट एग्रीगेट्स को, और मोर्टार या कंक्रीट बनाया जाता है इन टूल्स के द्वारा। दोस्तों ये वो पैंस हैं जिनमें कि लेबर्स जो है मोर्टार या कंक्रीट डाल के आगे मैसन को सप्लाई करती है इसके साथ।